हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमन एनालिसिस में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या नेवी में कोई मेरिट आउट होता है, या फिर अगर मेरिट आउट होता है तो मेरिट आउट होने के कितने परसेंट चांस होते हैं। आज हर चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ। ये वीडियो है एकदम ओरिजिनल कंटेंट है, तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एंड तक बने रहना, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हर एग्ज़ाम का अपना एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, तो उसी तरीके से इस एग्ज़ाम का भी एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। इसमें सबसे पहले आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, आपका शॉर्टलिस्टिंग होता है एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया तो आपको मिलता है पीएफटी के लिए, यानी कि फिज़िकल, और उसके साथ साथ होता है आपका मेडिकल। जब ये सारी चीज़ें पार कर लेते हैं तो लास्ट में बचता है मेरिट लिस्ट, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर। जिस दिन आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उस दिन ही आपकी अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाएगी। तो जब आप सब कुछ पास कर लेते हो तो इसी तरीके से आपका जो जो डैशबोर्ड है वो एकदम ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यानी कि इसमें आप क्लियर हो। लेकिन जिसमें आपका रेड दिखा देगा, जिसमें भी, चाहे वो पीएफटी हो चाहे मेडिकल हो, उसका मतलब कि आप उस चीज़ में अनफिट हो या फिर उस चीज़ में आप बाहर हो चुके हो। तो इसी तरीके से मेरिट लिस्ट का ऑप्शन सबसे लास्ट में आता है। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें कितने परसेंट चांस होते हैं आउट होने के। देखो दोस्तों, इसमें होते हैं 45 से 50% चांस मेरिट आउट होने के लिए। अब ये मत सोचना कि मैं आपको डरा रहा हूँ, ये है एकदम रियलिटी, सच्चाई है ये एकदम। क्योंकि जितने पोस्ट होते हैं उससे, जैसे कि मान लो एक एक सीट पे चार बच्चों को बुलाया जाता है, तो आप सोच लो अगर दो बच्चे भी आउट होते हैं तो एक सीट पर दो बच्चा लड़ रहा है, यानी कि 50-50% चांस है या तो एक बच्चा ये होगा या तो ये सिलेक्ट होगा। तो इसी तरीके से 45 से 50% चांस होता है मेरिट लिस्ट में आउट होने का, और इसमें सबसे ज़्यादा चांस होता है कि मेरिट लिस्ट में बच्चे आउट होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो कि मेरिट आउट होते हैं, आपने आप क्या पता खुद हुए हो, या फिर अगर आपके कम नंबर है आप हो सकते हो। तो इसीलिए आपको क्या करना है इस चीज़ से बचने के लिए, मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ। अगर आप डबल ए या फिर SSR का पेपर दे रहे हो तो अपने स्टेट के कट ऑफ या फिर ऑल इंडिया कट ऑफ से कम +10 मार्क्स लाना है। उससे क्या होगा, अगर आप +10 लाओगे तो आप सेफ़ होगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी कोई भी। यानी कि अगर मान लो कि अगर आपके +2 से ज़्यादा है कट ऑफ, +3, इसमें भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, डर होता है कि क्या पता कट ऑफ बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, तो ये चक्कर पड़ता है। और अगर MR की बात करें तो MR में अपने स्टेट के कट ऑफ से अगर आपके 5 नंबर ज़्यादा हैं 100% आपका सिलेक्शन होगा। आप कोई डर नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकता, ये बात की गारंटी है। तो ये चीज़ है जो कि बहुत मायने रखती है फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट होने की। तो सिलेक्ट होना बहादुरी नहीं है, जब तक आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आने की, जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता ना, तब तक आप सिलेक्ट नहीं माने जाओगे। चाहे आपने फिजिकल अच्छा किया हो, चाहे मेडिकल आपका बहुत अच्छा हो, चाहे नंबर भी अच्छे हो, ठीक है, तो ये मेरिट आउट होने के चांस होते हैं। इस वीडियो के मकसद वीडियो का मेरा मकसद था कि आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता इस चीज़ के। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगे, तो ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़ जाना। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।